अब अगर मैं मुजीब के 6 पॉइंट्स की बात करूं तो मुजीब के 6 पॉइंट्स क्या थे और किस तरीके से थे? आपने सबसे पहले ये बात समझनी है कि जो मुजीब के 6 पॉइंट्स आए वो 1966 में, मतलब ये अय्यूब खान के दौर में आए। क्यों आए वो अभी हम पढ़ेंगे, आज तक सवाल नहीं आया लेकिन आ सकते क्यों आए। 1966 में मुजीब के क्या आए, मुजीब 6 पॉइंट्स आए, और मुजीब के 6 पॉइंट्स के अंदर ये बात डिसाइड हुई कि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो इलेक्टेड होगी। फेडरल गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी मतलब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होने के बाद डिसाइड होगा कि फेडरल गवर्नमेंट कहाँ की आती। जब फेडरल गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पूरा डिफेंस और फॉरेन का कंट्रोल होगा, मतलब डिफेंस और फॉरेन सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में होगा, फेडरल के हाथ में। बाकी जितनी भी पावर्स हैं वो थोड़ी वो सबकी ईस्ट की अलग होगी, वेस्ट की अलग होगी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस और फॉरेन को कंट्रोल कर रही होगी। मतलब जितने एग्रीमेंट्स बाहर हो रहे हैं फॉरेन, मतलब थोड़े बहुत जो फॉरेन एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो ये कंट्रोल करेगी, और डिफेंस भी कौन कंट्रोल कर रहा है, फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब ये है कि बेटा जब आपके पास देखें दो पाकिस्तान थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान अभी बांग्लादेश बन गए, ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी वो काफी ज्यादा पॉपुलर थी। यहाँ पे कौन पॉपुलर थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी ए भुट्टो। अब 1966 के अंदर जब ये फेडरल गवर्नमेंट होती है, ये क्या बोलता है मुजीब 6 पॉइंट, ये बोलता है कि इलेक्शंस होंगे, जो भी जीता चाहे ईस्ट जीते चाहे वेस्ट जीते, फेडरल गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होगी जो जीतेगी उसके पास डिफेंस और फॉरेन का कंट्रोल होगा, मतलब वो डिफेंस को मेंटेन कर रही होगी, फॉरेन। फेडरल गवर्नमेंट के पास शेयर होगा टैक्सेस का, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर सकती टैक्सेस के अंदर। मतलब ये है कि अगर वेस्ट पाकिस्तान जीता तो ईस्ट पाकिस्तान के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, जो टैक्स मिल रहा है वो चुपचाप शेयर ले लेगा। फिर आप ये बताओगे कि इन्होंने क्या बोला कि सेपरेट करेंसी होगी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जो कि एक बहुत बड़ा धचका था। मतलब ये सेपरेट होना चाह रहे हैं ना, अगर मैं बात करूं मुजीब 6 पॉइंट्स में तो शो करना चाह रहे हैं कि भाई हमें अलग करो, सेपरेट करेंसी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की, मतलब एक ही कंट्री के अंदर दो वो चल रही है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला सेपरेट करेंसी फॉर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। फिर इन्होंने एक और चीज क्या कही, इन्होंने एक और चीज ये कही कि हमारे पास प्रोविंसेस जो है उनकी अपनी मिलिट्री होगी। प्रोविंसेस की क्या होगी, अपनी मिलिट्री, मेरी अपनी मिलिट्री, तुम्हारी अपनी मिलिट्री, ईस्ट की अपनी मिलिट्री, वेस्ट की अपनी मिलिट्री। प्रोविंसेस के पास राइट होगा कि वो दूसरी कंट्री से ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब आप अगर देखो इस पॉइंट्स के अंदर, तो इन पॉइंट्स के अंदर वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई मुझे अलग कर दो, मैं ईस्ट पाकिस्तान हूं, मुझे अलग कर दो, मुझे बांग्लादेश बना दो। 1966 में ये मुजीब ने 6 पॉइंट्स दिए, फेडरल गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी, डिफेंस ऑफ फॉरेन पे थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, बाकी सारा वो खुद मैनेज कर रहे होंगे, ईस्ट अपना मैनेज कर रहा होगा, वेस्ट अपना मैनेज कर रहा होगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास जो है वो शेयर होगा किसका, वो शेयर होगा टैक्सेस का, वो इंटरफेयर नहीं कर सकती टैक्सेस के मामले में। सेपरेट करेंसी होगी ईस्ट और वेस्ट की, प्रोविंसेस की अपनी मिलिट्री होगी, एंड दे कैन साइन ट्रेड एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज, जो कि एक बहुत बड़ा धचका था अय्यूब खान के लिए, क्योंकि पहली दफा ईस्ट पाकिस्तान वाले ऐसी बात कर रहे हैं, और ये लोग सारी बातों में ये जाहिर करना चाह रहे कि हम आपसे अलग होना चाह रहे, हमने इतना जुल्म करा कि वो हमसे अलग होना चाह रहे थे। सवाल आएगा कि वाई मुजीब इश्यू 6 पॉइंट्स, तो फर्स्ट 3 रीजंस ऑफ डाउनफॉल ऑफ अय्यूब खान लिख दोगे, इकोनॉमिक इनजस्टिस, पॉलिटिकल इनजस्टिस एंड अदर इनजस्टिसेस विद ईस्ट पाकिस्तान। तो ये आपके पास 6 पॉइंट्स का टॉपिक है, और इसका हम आंसर देख लेते हैं, इसके हम सवाल देख लेते हैं कि किस तरीके से आ सकता है। तो अगर मैं अय्यूब के 6 पॉइंट्स की बात करूं तो ये अय्यूब के 6 पॉइंट्स क्या थे, आप ये बताओगे, इन्होंने क्या बोला, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद डायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट, मतलब ये कि जो इलेक्ट होकर आएगा वही क्या करेगा, रूल करेगा। फेडरल गवर्नमेंट वुड कंट्रोल डिफेंस एंड फॉरेन रिलेशंस, लीविंग ऑल द सब्जेक्ट अंडर प्रोविंसेस, ईस्ट और वेस्ट हर चीज मैनेज कर रही होगी सिवाय डिफेंस ऑफ फॉरेन। फेडरल गवर्नमेंट वुड शेयर इन द स्टेट टैक्सेस बट वुड हैव नो पावर ऑफ टैक्सेशन, स्टेट टैक्सेस को शेयर करेंगे लेकिन इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेपरेट करेंसी एंड फिस्कल पॉलिसीज फॉर ईस्ट पाकिस्तान, सेपरेट करेंसी, राइट फॉर ईच प्रोविंस टू एंटर इनटू एक्सटर्नल ट्रेड एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज, आप ट्रेड एग्रीमेंट अपने खुद कर सकते हो। प्रोविंसेस वुड हैव देयर ओन पैरामिलिट्री और टेरिटोरियल फोर्सेस, आसान अल्फाजों में वो लोग अलग होना चाहते थे। तो ये मुजीब के 6 पॉइंट्स थे। अब क्यों मुजीब ने यह 6 पॉइंट्स दिए, तो बेटा आप ये गौर से देख सकते हैं, क्वेश्चन बाय MYM है। क्वेश्चन बाय MYM का मतलब है कि भाई ये पेपर में नहीं आया, लेकिन जिस दिन आ जाएगा उस दिन क्या बोलोगे कि हमने किस कचरा टीचर से पढ़ लिया। तो बेहतर ये है कि आप क्या करो, इसको सही तरीके से कर लो।
Why Mujib gave his 6 points formula? आप ये बताओगे, economic injustices were very common between East and West Pakistan during his government. Ayub Khan की government की बात हो रही है. 22 industrial families were holding 66% of the country industrial assets and 80% of its insurance and banking services. Most of the wealth was concentrated in West Pakistan. It was a common view that they were from Punjab and most of them were friends and relatives of Ayub Khan. The foreign exchange earned through the export of jute from East Pakistan was spent on the development projects of West Pakistan. Economic policies of Ayub Khan intensified the regional disparity by establishing industries in West Pakistan and making capital at Islamabad. ईस्ट के साथ खूब जुल्म हो रहा है, सारा पैसा वेस्ट के अंदर लग रहा है, सारी डेवलपमेंट वेस्ट के अंदर हो रही है, इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया जो कि वेस्ट के अंदर है, तो ये सारा जुल्म हो रहा है. फिर बताओगे, एट दैट टाइम द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वर नॉट गिवन देयर ड्यू शेयर इन द असेंबलीज, मैनी ब्यूरोक्रेट्स एंड हाई पोस्ट वर गिवन टू द पीपल ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, द अपॉइंटमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान सिविल सर्वेंट्स विदाउट द नॉलेज ऑफ बंगाली लैंग्वेज क्रिएटेड अ बिटर सिचुएशन, इट ऑल्सो एक्यूज दैट द वेस्ट पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट्स लुक्ड अपॉन देयर बंगाली कोलीग्स एंड सबऑर्डिनेट्स इज वर्थलेस एंड इन्फीरियर, मतलब हम बहुत उनको नीचा दिखाते थे. Third, in the armed forces, Bengali share was only 10%. In central government services, Bengali share was only 15%. Urdu, which was spoken by 6% of Pakistan population, declared as national language instead of Bengali, which was spoken by 54% of Pakistan population. These injustices sent a wrong message, so East Pakistan started a struggle to get independence from Pakistan. So, ye aapke paas teen reasons hai. पहला क्या है? पहला है economic injustice. दूसरा है political injustice. And then third हमारे पास है अदर इकोनॉमिक इनजस्टिसेस. तो ये हमारे पास कहानी है, ये आपको समझ आ जाएगी. अब हमारे पास है मुजीब ने 6 पॉइंट्स क्यों दिए और मुजीब के 6 पॉइंट्स क्या थे. अगर इसमें किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है, और अगर किसी को कोई मसला नहीं है तो बेटा वो क्या करेगा, चिल करेगा. मुजीब के 6 पॉइंट्स में अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है.